सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज अपन लोग बात करने वाले हैं टीवीएस रेडर के बारे में, बाइक के बारे में सारी डिटेल आज आपको कुछ वीडियो से मिल जाने वाली है। कलर ऑप्शन, वेरिएंट्स और वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर रेडर या फिर और कोई भी 125cc सेगमेंट की बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाने वाला है। वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो टोटल 4 वेरिएंट्स में रेडर अवेलेबल रहती है। ये है अपना सेकंड बेस, जो कि सबसे ज़्यादा एक रनिंग वेरिएंट भी रहता है। स्प्लिट सीट वाला ये वेरिएंट रहेगा। बेस एंड में आ जाता है सिंगल सीट, जिसका कि लेआउट ओवरलैप लोग यहां पे देख पा रहे हो। सो इस टाइप से बेस वेरिएंट हो जाता है सिंगल सीट के साथ। फिर आ जाता है सुपर स्पोर्ट एडिशन। फिर आ जाता है बीटी कनेक्टिविटी के साथ, जहां पे एमआईडी ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है और भी फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इस टाइप से टोटल 4 वेरिएंट्स अवेलेबल रहेंगे। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑन रोड जयपुर ये पर्टिकुलर वेरिएंट यानी कि सेकंड बेस आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है 1.16 लाख। ऑन रोड जयपुर प्राइस पॉइंट स्टार्ट होता है 1,15,000 से और एंड होने वाला है 1,25,000 पे। सो 1,15,000, 1,16,000, 1,19,000 और 1,25,000, इस टाइप से ये अपने चारों ही वेरिएंट्स की प्राइसिंग यहाँ पे बन जाती है। कलर ऑप्शन भी टोटल 4 ही इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। ये रहा अपने पास रेड, ग्लॉसी ब्लू का भी, एक ग्लॉसी ब्लैक का भी, सॉरी, काफ़ी अच्छा यूज़ फ्यूल टैंक पे है। एक आ जाता है येलो, जो कि नीचे बाइक अवेलेबल है, वीडियो में आगे हुआ तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक है ग्लॉसी ब्लैक और एक है कार्बन ब्लू। इस टाइप से टोटल 4 ही वेरिएंट और 4 ही कलर ऑप्शन इस पर्टिकुलर बाइक में अवेलेबल रहेगा। आप देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में आप लोगों को मिल जाता है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अपना टीवीएस का प्रॉपर मार्किंग, 3D एम्बलम वाला नंबर प्लेट होल्डर, रेडर का लोगो, इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ इस टाइप से LED DRL यहाँ पे ऑन है। अभी बाइक स्टार्ट करके हेडलैम्प का थ्रो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस टाइप से इंडिकेटर का सेटअप है, जो कि 162V और 182V में भी अवेलेबल रहता है। सेम वही काफ़ी अच्छा शेप और साइज इंडिकेटर का यहाँ पे मिलेगा। ब्रेक लीवर भी और क्लच लीवर भी ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ब्रश्ड क्रोम में, काफ़ी लुक एनहेंस कर देता है। रियर व्यू मिरर क्रोम वाला पार्ट यहाँ आ जाता है। इस टाइप से क्लच लीवर था और ये अपना ब्रेक लीवर। हेडलैम्प हाउसिंग ये रहा LED DRL ऑन के साथ। लुक यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉपर ना लुक यहाँ पे बना देता है। पियानो ब्लैक फ्रंट हेड पे भी यूज़ है और फ्यूल टैंक पे भी पियानो ब्लैक अपना आ जाएगा। इंजन काउल है बॉडी कलर में, जिस भी बॉडी कलर में ये अपना चेंज होता रहेगा। फ्रंट मडगार्ड की बात करते हैं तो ड्यूल टोन है, बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेवल और थिकनेस ये अपने को देखने को मिलेगा। इस टाइप से कुछ अलॉयज का शेप है। फ्रंट टायर की ग्रीडिंग 80 सेक्शन का फ्रंट यहाँ पे आप लोगों को टायर मिल जाता है TVS का ही, जैसे कि ज़्यादातर TVS की बाइक्स में स्कूटीज में रहता है अवेलेबल। पैटर्न ये रहा, फ्रंट में मिल जाता है यहाँ पे डिस्क, जो कि रहेगा पेटल डिस्क, लगभग 240-260 mm के राउंड अराउंड इसका साइज़ है। ब्रेकिंग पे एज यूजुअल कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है, जैसे कि TVS की सभी बाइक्स पे जो लोअर सेगमेंट रहता है वहाँ पे रहता है, कोई भी ब्रेकिंग की मार्किंग अवेलेबल, ब्रांडिंग नहीं है। पेटल डिस्क है, साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, ABS बाइक में अवेलेबल नहीं रहने वाला। सो इस टाइप से ये हो जाता है जी अपना फ्रंट लुक कंप्लीट। सो ये एक ओवरव्यू आप लोग देख सकते हो फ्रंट से। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो यहाँ से ही कवर करते हैं, क्योंकि लाइट का अपोजिट साइड थोड़ा सा इशू हो जाएगा। सीट हाइट पहले बात करते हैं तो सीट हाइट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 780mm का ही टोटल सीट हाइट है। सीट का पैटर्न ये आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा साइज़ है पिलियन का भी और राइडर का भी। कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे, प्लस सीट में यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इस टाइप से रियर टेल लैंप ऑन रहेगा इग्निशन के साथ और ये रहा की होल। सीट ओपन करने के लिए भी ओपन करके अपन लोग देखते हैं। नंबर प्लेट के लिए डेडिकेटेड एक यहाँ पे बल्ब मिल जाएगा हेलोजन में। इंडिकेटर, टेल टाइडी, TVS की प्रॉपर मार्किंग भी यहाँ पे आ जाती है। एक फुटरेस्ट भी मिल जाएगा, प्लस साड़ी गार्ड भी है, एक इंटीग्रेटेड वाला सिंगल पार्ट ही रहेगा। चेन का सेटअप ओपन वाला है, पॉकेट का साइज आप लोग देख सकते हो। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों है, साइड स्टैंड इंजन कटआउट के साथ। सिंगल हेड में गियर लीवर है, 5-speed गियर बॉक्स के साथ बाइक आती है। रेडर की ब्रांडिंग, 3D एम्बलम वाला मैट ब्लैक का भी यूज़ है और इस बाइक में देख सकते हो बॉडी कलर वाले जो पैनल है ना, वो फ्रंट हाफ में ही नज़र आएंगे। रियर हाफ सभी कलर ऑप्शन में ये आपको यहाँ पे मैट ब्लैक और इस टाइप से सिल्वर वाला ही ट्रीटमेंट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक पे देखते हैं तो ये एक फ्यूल टैंक कॉम्बिनेशन बनेगा, पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक और बॉडी कलर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 10 लीटर, 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। फाइबर कवरिंग, सेंटर वाला पार्ट अपना मैट ब्लैक रहेगा। E20 का स्टिकर आ जाता है फ्यूल कैप पे, यहाँ पे ये रहा। और USB चार्जिंग पोर्ट भी एक विद कवरिंग यहाँ पे मिल जाता है, विद कवरिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है, पानी से ये डैमेज नहीं होने वाला। इस टाइप से की का लेआउट है, वेव वाला की पैटर्न यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, जो कि इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी चीज़ ना एक अच्छी खासी हो जाती है। और ये रहा इग्निशन रेगुलर जगह पे ही,
इग्निशन ऑन करते हैं तो इस टाइप से ये आपका MID स्टार्टअप रहेगा। MID भी काफ़ी अच्छा है, कलर्स का जो यूज़ है उसके साथ ये चीज़ काफ़ी अच्छा जेलअप हो जाता है। क्लच का फील देख लेते हैं, सो क्लच काफ़ी लाइट है। पास का एक स्विच यहाँ जाता है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर इस टाइप से। सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है। हैंडल बार का लेआउट भी कंप्लीट एक डार्क वाला ही सेटअप रहेगा। दो राइडिंग मोड यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे, पावर मोड और इको मोड, जिसका कि स्विच आपको राइट साइड पे ही देखने को मिलेगा। ये किल स्विच नहीं है, ये मोड सेलेक्शन के लिए आपका स्विच मिल जाता है। और ये अपना स्टार्टर थ्रॉटल ग्रिप और बार एंड भी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर ये मेटल में ही मिलने वाले हैं। फ्यूल टैंक का शेप देखते ना, तो ये काउल की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक हैवी सेटअप साइड प्रोफाइल को भी मिल जाता है। TVS का लोगो जैसे कि रेडर था 3D वाला, वही वाला ये सेटअप भी रहेगा पियानो ब्लैक पे। और एक अपना सिल्वर वाला ट्रीटमेंट आ जाता है, जैसा कि रियर फेयरिंग भी है। इस टाइप से इंजन का लेआउट है। अपोजिट साइड से काउल ये रहा और लेग गार्ड भी मिल जाता है। सो ये हो जाता है अपोजिट साइड। एक बार ये वाला साइड भी देख लेते हैं। सो किक यहाँ पे नहीं है, जो कि एक नेगेटिव अपन लोग काउंट करेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में किक की नीड लोगों को रहती है। TVS इंटेलिगो का एक स्टिकर यहाँ पे मिल जाता है, वही रेडर एग्जॉस्ट इस टाइप से है। हीट शील्ड और टिप ये आपको कुछ सिल्वर टाइप का सेटअप मिलेगा, बट इसको अगर मैट ब्लैक या फिर ग्लॉसी ब्लैक पेंट करवा लेते हैं ना, तो ये अच्छा सेटअप बन जाएगा। फुटपैक पे रबर कवरिंग मिलेगा राइडर के लिए, पिलियन के लिए कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल नहीं है। रियर टायर सेटअप देखते हैं तो पैटर्न ये रहा, रियर में यहाँ पे ड्रम ही रहेगा, फ्रंट में था डिस्क, रियर में ड्रम ही रहेगा। टायर का ये नाम है TVS रिमोरा, तो ये आपको टायर रहेगा। पैटर्न ये अपना हो चुका है। टायर की ग्रेडिंग देख लेते हैं, ये रहा TVS टायर्स। टायर की ग्रेडिंग है जी रियर की 190/17, फ्रंट था 80 सेक्शन का, रियर है 100 सेक्शन का। और ट्यूबलेस ये आपको सेटअप रहेगा। अलॉयज का शेप कुछ इस टाइप से, 130mm ड्रम रियर में अपना रहेगा ही। रियर सस्पेंशन बोनो शॉक है यहाँ पे, जो कि अच्छी चीज़ है। और मल्टीपल वे एडजस्टमेंट इसको आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इस टाइप से कुछ टिप का ये लेआउट है, ये बन जाता है अपना रियर लुक भी कंप्लीट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपनी हो चुकी है टोटल 10 लीटर। अब एक बार सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, जो अंडर सीट स्पेस मिलता है ना वो ओपन कर लेते हैं। सो इस टाइप से की को टर्न करना है और ये रहा आपका स्पेस, रिमूव करते हैं। सो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एक फ़ोन हुआ आपका या फिर पावर बैंक वगैरह हुआ, वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कई लोग एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं, स्कूल जाते हो, सो यहाँ पे आप लोग फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो। और थोड़ा बहुत अगर कैश है वो भी यहाँ पे एक पार्ट ऑफ एमरजेंसी के तौर पर ना कुछ भी चीज़ रख सकते हो। फर्स्ट एड किट हुआ, काफ़ी सारा यूज़ इस चीज़ का हो सकता है। सो यहाँ पे एक स्पेस आपको ये देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस टाइप से सीट लगाना है और ये आपका किया गया, ये लॉक हो चुका है। सो ये वाला पैटर्न ना काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं MID की, फिर करते हैं बाइक को स्टार्ट और इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो MID का स्टार्टअप ये रहा, गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है, क्लॉक भी है, फ्यूल गेज, इको जिस पे बाइक अभी है तो ये ग्रीन में शो हो रहा है। इसको अपन लोग पावर पे कर देते हैं। सो पावर ये आते ही आपका यहाँ पे पावर चेंज हो चुका है। सारी वार्निंग लाइट्स हैं, TVS का एक इल्यूमिनेशन वाला लोगो है, स्विच हैं, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप भी अभी शो हो रहा है, टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर भी यहाँ पे मिल जाता है। चेंजेस करके देखते हैं, तो चेंजेस के लिए यहाँ पे दो स्विच हैं, चेंज करते हैं। सो ये आ जाता है अपना रेंज, ओके, एवरेज पर 100 किलोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और रेंज ये आ जाता है। ऊपर वाले स्विच से देखते हैं, सो ऊपर वाले स्विच से क्लॉक वगैरह ही सेट होना है, क्योंकि ये सेट वाला स्विच और ये मोड वाला स्विच है। सो ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। आप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे मिलता है अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट पे। ये RPM आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा अप है। और ये है हेडलैम्प ऑन होने के बाद आपका प्रॉपर लुक। अभी कोल्ड स्टार्ट पे बाइक है, थोड़ा बहुत ड्राइव करते हैं क्योंकि शोरूम में स्मेल हो जाती है। इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट नोट TVS रेडर 125 का आपको मिल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो इसी साइड से कर लेते हैं, उधर ना थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क ज़्यादा हो रहा है। सो 125 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड SI इंजन मिल जाता है। 3 वॉल्व है ये ना इंजन, 4 वॉल्व अपना 164 भी रहता है, ये रहा अपना 2V 160 और 180 में 2V रहता है। रेडर में मिलता है 3 वॉल्व, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 11.38 HP का पीक पावर है और 11.2 Nm का टोटल टॉर्क है 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। सो ये काफ़ी अच्छा ना यहाँ पर प्रॉपर सेटअप आपको मिल जाने वाला है। सो इसी के साथ ये अपनी डिटेल्स हो जाती है सारी कुछ कंप्लीट। वेरिएंट भी आप लोगों को मिल चुका है, प्लस लुक्स काफ़ी अच्छा है, एक मोर ऑफ यूथ ओरिएंटेड ये बाइक मिल जाता है। बाइक के जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड आपको फील होंगे,
अपाचे से भी, ये रहा 204V और 164V। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, इसी के नेक्स्ट डे, तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।